रोहिंग्या ऐसा नस्ली समूह है जिसका बर्मा में तब पलायन हुआ जब दोनों देशों में ब्रिटिश राज था। उस वक्त अंग्रेज भारत से ही म्यांमार सत्ता चलाते थे। इस बात के साक्ष्य हैं कि रोहिंग्या पहले से ही रखाइन प्रांत में जाते रहे, लेकिन ब्रिटिश राज में यह सिलसिला काफी बढ़ गया। रोहिंग्या का आगमन म्यांमार के मूल निवासियों को बेहद नागवार गुजरा। इसके चलते वहाँ के सरकार ने आज़ादी के बाद से ऐसे सभी विस्थापितों को नागरिक अधिकार देने से इनकार कर दिया जो कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल के अलग अलग इलाकों से यहाँ आए थे। परिणाम स्वरूप तमाम लोगों ने म्यांमार छोड़ दिया। जो लोग वहाँ पर रह गए उन्हें भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा। रोहिंग्या की स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है जैसे कि दक्षिणी एशिया के अन्य समूहों की। लेकिन इनमें से एक और पहलू है कि म्यांमार में बौद्धों मुस्लिमों के बीच रिश्ते काफ़ी खराब हो चले। दशकों से रोहिंग्या बांग्लादेश की ओर पलायन करते आए रहे हैं। ऐसे म्यांमार से हो रहा रोहिंग्या विस्थापन कोई हालिया नया घटनाक्रम नहीं है। कुछ रोहिंग्या ने अलगावादी प्रवृत्ति भी अपना ली है जिससे रखाइन प्रांत में खूब खर पानी मिला। सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी रोहिंग्या समुदाय की मदद की है, वहाँ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उन्हें किसी तरह के अधिकार नहीं मिले हैं। इतना कुछ होने पर भी पाकिस्तान म्यांमार का विरोध तो करता है लेकिन अपने आप को नहीं देखता, और साथ ही अपने मुल्क से प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा उसने रोहिंग्या मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके कारण कि रोहिंग्या आतंकवादियों की उत्पत्ति हुई है, जिसके चलते हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाया है। फिर मुझसे है।